बोले गणेश जी महाराज की जय। एक बार एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया थी। उसके साथ उसके बहू और बेटा रहते थे। बुढ़िया हमेशा श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रश्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं कैसे और क्या मांगू, मुझसे तो मांगना नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, वो अपने बहू और बेटे से पूछ ले और मांग ले। यह सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता क्या मांगू। उसके पुत्र ने कहा, माँ तू गणपति बापा से धन मांग ले। वही बहू से पूछा, उसने कहा कि वो गणेश जी से पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कह रहा है, कोई मेरे लिए सोच नहीं रहा है। ऐसे में उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसनों से भी पूछ लिया। तब उन सभी ने कहा, बुढ़िया तू तो कुछ ही दिन जिएगी, धन से नाती मांगने से क्या फायदा, तू अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रश्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अंबर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार को सुख दे और आखिरी में मुझे मोक्ष दे। ये सुनकर गणपति बापा ने कहा, बुढ़िया माँ ये सब मांग कर तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगे हैं वो सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था उसे वह सब मिल गया। गणपति बापा जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको दे। बोले गणपति महाराज की जय।